गले में तकलीफ है, वो ऊंची आवाज में बोल नहीं पाएंगे। जितना आप लोग खामोश रहेंगे उतना ही आपको फायदा है, नहीं तो आप सुन नहीं पाएंगे और आपका वक्त जाया होगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से उमर साहब का, अपनी जमात के सारे लीडरान का, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों का, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का, माओं बहनों का, बुजुर्गों का, जवानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया है और हम लोगों को पार्लियामेंट के लिए तैयार किया है। ये पार्लियामेंट आसान नहीं होगा, इसमें हमारे मुद्दे बहुत ज़बरदस्त हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि उनकी नीयत जो है 370 और 35A को ख़त्म करने की, हमें उसके बारे में भी इनसे लड़ना है। उसके साथ साथ जो इनका मुद्दा रहा कि वतन में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करने का, हमें उसके खिलाफ भी लड़ना है। ये वतन सबका है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख, ईसाई, जितने भी रहने वाले हैं उनका ये वतन है, और हमने इस वतन को मजबूती से उसी सेक्युलर पाथ पे रखना है जो हमारा हिंदुस्तान का आईन कहता है, और हमने हर कोशिश करनी है कि हिंदुस्तान का आईन जो अम्बेडकर जी ने बनाया है उसकी हिफाजत की जाए और मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत जो दिल्ली में आएगी वो जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करेगी, बातचीत करेगी पाकिस्तान के साथ कि हम इस मुसीबत से निकल सकें। जो आप रोज देखते हैं बॉर्डर पे शेलिंग हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कोई जगह नहीं है जहाँ इनकाउंटर हो रहे हैं और बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं, पैलेट गन इस्तेमाल हो रही है, लोग उसके शिकार हो रहे हैं और जो अंधे भी हो गए हैं और कुछ उनके लिए सोचा नहीं गया है। चीज़ों को हमने देखना है, और भी मुद्दे आएंगे, अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह मेरा आपके साथ और भी रابطہ रहेगा और हम लोग बार बार मिलेंगे और आपके सामने वो सब बातें रखेंगे जिनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त लड़ रही है और आगे भी लड़ रही है। फारूक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बार फिर मौका मिला है, एक बार फिर संसद भेजा गया जा रहा है जी, क्या कह रहे हैं आप? आपको चुना है, आपसे लोगों ने जो है आप पर तंका किया है, आपको जितवाया है संसद, आप जाएंगे, पहली प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? देखिए, बड़ी प्रायोरिटी तो ये है कि हम पार्लियामेंट में जाएं, हाथ उठाएं। उसके बाद प्रायोरिटी ये रहेगी कि रियासत जम्मू कश्मीर को वो मुश्किलात से निकालने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। उसके साथ साथ सबसे अहम बात ये भी है कि अगर हमने यहाँ अमन लाना है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत के मेज पे आना पड़ेगा और इस मुद्दे को किसी न किसी तरीके से इसका हल निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पूरी कंट्री में रिजल्ट आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड था ये कि एनडीए इतना आगे जाएगा और यूपी की खराब होगी? देखिए, जो हुआ सो हुआ, अब इसके बारे में फारूक कुछ नहीं कह सकते। जब हमने डाला, कोशिश ये की गई कि बीजेपी और एनडीए का कोई मुतबादल तैयार किया जाए और मुल्क के सामने रखा जाए, मुल्क ने उसको कबूल नहीं किया। हकीकत ये है कि जहाँ जहाँ से हम उम्मीद कर रहे थे कि ऑपोजिशन को कामयाबी मिलेगी, वहाँ सीट की तादाद बढ़ाने के बजाय हमारी सीटों की तादाद कम हो चुकी है। अब इसमें हमने अपना रोल तो निभा लिया, हमने 3 सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए, 3 की 3 पे उम्मीद की जा रही है कि हमारी कामयाबी होगी।
चौथी सीट पे भी हमने कोशिश की थी लेकिन कांग्रेस ने ही वहां बीजेपी को शायद कामयाबी दिलाने में मदद की है। अब बाकी रियासतों में ये हाल क्यों बना, बाकी रियासतों में अपोजिशन को ये नाकामयाबी क्यों मिली, इसके लिए हमें एनालिसिस करनी होगी। लेकिन आज का जो है मोदी साहब की कामयाबी का दिन है, मुझे लगता है ये गलत हो अगर हम यहाँ से उनको मुबारकबादी का पैगाम ना दें। जो जीता वही सिकंदर, मोदी साहब जीते हैं, हमारे तरफ से उनको मुबारकबादी का पैगाम, लेकिन उस पैगाम के साथ उनसे गुजारिश भी कि पिछले 5 साल उन्होंने जो किया सो किया, अब इन 5 सालों में उनको किसी तब्दीली लानी होगी अपने काम करने के तरीके में, कोशिश की जानी चाहिए कि सबको लेके साथ चले। अब पहली बार जब जीते तो लोगों ने कहा शायद एक फ्लूक से जीते, लेकिन दूसरी बार जीते तो ये कोई फ्लूक नहीं है, मुल्क ने उनको दोबारा एक मौका दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुल के बीजेपी को वोट नहीं दिए, 3 सीटों पे अगर वो जीते तो 3 सीटों पे हारे, लेकिन उम्मीद है मरकज से कि आगे जाके इस रियासत के लिए वो कुछ बेहतर सोचेंगे। बातचीत का सिलसिला नए सिरे से शुरुआत होगी, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो। एक छोटी शुरुआत हमने कल देखी जबकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साथ बैठ के बात कर रहे थे, ये एक अच्छी बात है। अगर इसी तरह इंटरनली कोई इकदाम उठाए जाए, जो सख्तियां पिछले कुछ महीने से की जा रही है इस रियासत के साथ, उन सख्तियों को थोड़ा कम किया जाए, जो बॉर्डर ट्रेड को रोका गया है उस बॉर्डर ट्रेड को नए सिरे से चालू किया जाए, उम्मीद की जा रही है कि कुछ कदम ऐसे उठाए जाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो राहत की एक सांस ले पाएंगे। आपने खुद भी जिक्र किया लद्दाख का, वहां के कांग्रेस की भूमिका का, समझते हैं कि सबसे ज्यादा कांग्रेस पर ही है। लेकिन आप अगर दूसरे अभी लद्दाख के नतीजे आए नहीं है, लेकिन हकीकत ये है अगर कांग्रेस ने वहाँ साजिश नहीं की होती तो बीजेपी वहाँ से कामयाब नहीं होती। कांग्रेस ने दो दो कैंडिडेट खड़े करके करगिल के लोगों के साथ बिलखसूस नाइंसाफी की, धोखा किया, और मैं उम्मीद करता हूँ करगिल के लोग जो है उनसे जवाब इस चीज के लिए हासिल करेंगे। यही सवाल से पूरी हम गांधी के लोगों के शुक्र गुजार है, जिस तरह उन्होंने जितना भी कम ज्यादा लेकिन इलेक्शन में हिस्सा लिया, हम उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी ये कोशिश और उनकी ये मेहनत ये हम जाया नहीं होने देंगे। पूरे जोर और शोर से हम इस रियासत और इस रियासत मुद्दों की वहां पे तर्जुमानी करेंगे, रियासत की खसूसी पोजीशन जो है हम रखवाली करेंगे, और जो भी इश्यूज हमारे सामने आएंगे वो हम सही तरीके से पार्लियामेंट में पेश करेंगे। जहां तक बाकी मुल्क का हाल है, वो जो बाकी मुल्क के बड़े लीडर हैं वो जाने और उनका काम जाने। उमर साहब, आपने 2014 में कहा था कि हमें 2014 को भूलकर 2019 के बारे में, नहीं ये शायद मैंने सदारा में कहा था, लेकिन इलेक्शन को तो हार के अफसोस की बात यह है कि मेरी बात सही साबित हुई। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बात सही साबित हो, मैं चाहता था कि उस वक्त जो खतरे की घंटी मुझे सुनाई दे रही थी उस खतरे की घंटी को बाकी भी सुने और उस घंटी को सुनने के बाद वो कुछ करें, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि मैं अकेले में ही शोर कर रहा था। तो वो कहते हैं ना कि अकेले आप सिर्फ चुटकी बजा सकते हो, ताली बजा नहीं सकते, आज हम लोग ताली बजा रहे हैं लेकिन बाकी शायद ताली बजाने के लायक नहीं है आज। तो कहां पर आपको ये कमी दिख रही है कि मैंने कहा ना एनालिसिस बाद में, अब 5 साल है हमें एनालिसिस करने के लिए, अब 5 साल तो कुछ नहीं बदलेगा, अब 5 साल मोदी साहब इस मुल्क को चलाएंगे, और जैसे मैंने कहा, जैसे फारूक साहब ने कहा, उम्मीद करते हैं कि मोदी साहब सबको लेके चलेंगे सर, क्योंकि ये मुल्क सबका है। ये जिस तरह जम्मू कश्मीर की रियासत को हिंदुस्तान का छोटा समझा जाता है, जहाँ पे हम सबको लेके चलते हैं, हम कहते हैं जनाब कि हमारा विरासत में हमें ये नारा मिला है हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध इत्तेहाद, अगर जम्मू कश्मीर में हम इस नारे को बुलंद रखते हैं, मुझे लगता है कि हमारे हुकुमरान जो है उनका फर्ज बनता है कि इस नारे को बाकी मुल्क में भी इसको बुलंद रखें। सर, डू यू फील दैट बालाकोट एंड पुलवामा प्लेड एन मेजर इंपॉर्टेंट रोल? What would have happened if Balakot had not happened? ये भी सही है कि बालाकोट के बाद काफी हद तक ऑपोजिशन की फूक निकल गई थी,
बहुत से इश्यूज आए थे जनाब, बहुत से इश्यूज, हम बहुत चीजों पे चर्चा कर सकते हैं, क्या चौकीदार चोर है सही नारा था या नहीं था, क्या राफेल पे फोकस करना सही था या नहीं था, क्या हमने रूरल डिस्ट्रेस, बेरोजगारी, इकोनॉमिक स्लो डाउन, इन सब चीजों को सही अंदाज में लोगों के सामने पेश किया या नहीं किया, क्या बालाकोट पे सवाल उठाने के बजाय हमें पुलवामा पे सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, बहुत सी चीज है जिन पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अब वो अंग्रेजी में कहावत है, द हॉर्स हैज बोल्टेड, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्लोजिंग द स्टेबल डोर, अब घोड़ा भाग गया ना, अब अस्तबल का दरवाजा हम बंद करें तो क्या फायदा, भाग गया घोड़ा, चला गया, अब पांच साल के बाद अगर घोड़ा हाथ लगे तो नहीं लगा तो आगे चले जाएगी। आने वाले इलेक्शन में क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जीत का असर यहाँ पे 35 और 370 पड़ेगा, क्योंकि अब हम हटाना वो है और पहले भी रहा है, बीजेपी का कौन सा ऐसा मैनिफेस्टो है जिसमें उन्होंने 370 का जिक्र नहीं किया है, लेकिन इस खतरे को हमें मामूली खतरा नहीं समझना चाहिए, हम जितना भी हमें ताकत है हम जरूर उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे 370 और 35 को बचाने के लिए। और बार बार हमने कैंपेन के दौरान कहा भी यही, हमने अपने कैंडिडेट ने भी इस तरह, इसीलिए सबसे सीनियर और सबसे मतलब मानवीय लीडर इस रियासत के श्रीनगर से, एक चलिए कभी कभार अकबर लोन साहब गलत बात भी कह जाते हैं लेकिन वो बात करने में मतलब पीछे नहीं हटते, तो ऐसे लोग पार्लियामेंट में हमें चाहिए। और फिर मसूदी साहब हैं जो कानून जानते हैं, वकालत जानते हैं, जिन्होंने 35 से 370 के बारे में जो जजमेंट पास की है वो आज भी लोग उसको कोट करते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर टीम 370 और 35 बचाने के लिए शायद ही हम पार्लियामेंट भेज सकते थे। अब आने वाले पांच साल में हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों का जो हमें एतमाद हासिल हुआ है, हम उस एतमाद के काबिल अपने आप को बार बार जो है वो प्रूव करते रहें, इसका सबूत देते।